Hey everyone, my name is Dhruv and welcome to another very very good and fresh video and a very hot topic जो अब बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया. सो इतनी सारी रिसेंट डिमांड के बाद तो ये टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी था. एंड येस, मुझे पता चल गई थी भाई अब तो ये चीज़ करानी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर मैंने सोचा था कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा केयर करके रखूँगा, पर आसपास के जो लोग हैं ना वो छू के देखते हैं, क्योंकि मैट कलर तो उनके लिए नई चीज़ है. छू छू के देखेंगे. करते करते सबने स्क्रैच मार दिए पूरी बाइक के ऊपर. और अभी नीचे जाके बाइक के पास जाके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर छोटे छोटे स्क्रैचेस कहाँ मिलकर एक काफ़ी ज़्यादा अगली कर देते हैं बाइक को, और वो भी खासकर एक मैट कलर की बाइक को. इतनी ज़्यादा सुंदर एक मैट ब्लैक बाइक है, उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है उसकी केयर करना. मैंने सुना था कि हाँ मैट ब्लैक को या फिर मैट कलर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट यस, मैंने माइक्रोफाइबर इस्तेमाल किया, मैंने पॉलिश इस्तेमाल करी मैट वाली, मैंने हर चीज अप्लाई करी, फिर भी नहीं मेंटेन हो पा रही. बताओ, स्क्रैचेस आ गए फिर भी. यार पीपीएफ तो करवाना पड़ेगा. एंड इन सारी चीजों के लिए ना मेरे पास सिर्फ एक बंदा है जो काम करता है, यश ग्राफिक्स स्क्रोल बाग. एंड जितना सारा ग्राफिक्स का काम है, वेदर इट इज ऑन माय कार, ऑन माय लैपटॉप और एनीथिंग, जितना भी विनाइल एंड ग्राफिक्स से रिलेटेड काम है वो सारा मैं एक ही बंदे पे ट्रस्ट करता हूँ. विजय भैया के पास जाएंगे आज, उनसे करवाएंगे अपनी बाइक का सारा काम. एंड उससे पहले अगर मैं अभी जब नीचे जाऊंगा आपको बाइक पे एक छोटा सा मोटो व्लॉग तो हो ही जाएगा जाते जाते. तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो दैट इज द रॉयल एनफील्ड मीटियोर रिव्यू एंड द स्पीडोमीटर रिव्यू वो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लो. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. टाइप तो कर ही दो क्योंकि अभी चैनल की ग्रोथ होनी शुरू हुई है, तो ग्रोथ के साथ साथ नया नया फ्रेश कंटेंट आता रहेगा एंड मोटिवेशन तो मिलती रहती है, सब्सक्राइब कर दो. चलो फिर चलते हैं. स्मोक तो गायब ही हो गया, सही है. अभी यहाँ पर तो आ ही चुकी है बाइक, यहाँ पर लग चुकी है. इसका जो मेन टैंक है ना और साइड का जो पैनल्स वगैरह वो ज़्यादा मेन ज़रूरी है, क्योंकि दो दिन के अंदर अगर आप देख पा रहे हो ना तो ये पता नहीं किस चीज़ से आया निशान यहाँ पर आया है, तो इस चीज़ को कवर करना मेन ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग राइड्स में जाएंगे तो आगे स्टोन्स वगैरह लगेंगे, पेंट पील ऑफ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो फिर यहीं पर आए, और यश ग्राफिक्स एड्रेस तो पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी काम शुरू होने पर आप सबको मिलता हूँ. सो एज यू हैव सीन कि अभी साइड के पैनल्स के ऊपर पानी से मैंने करवाया है, क्योंकि येस ऑब्वियस, और 6 महीने बाद हमें ये चीज़ चेंज करनी ही पड़ेगी, और कोई नहीं बताएगा, नहीं तो आपकी ग्लू रह जाएगी, ग्लू उतारोगे तो आपकी मैट फिनिश खत्म हो जाएगी. तो देखते हैं आगे जैसे जैसे प्रोसेस होता है मैं आपको दिखाऊंगा, और सीधा प्रोसेस होने के बाद मैं आपको ले जाऊंगा घर पे एंड वहां आपसे दिखाऊंगा सारी की सारी इसकी डिटेल्स, कि इसका प्राइस क्या पड़ा और ये चीज़ कैसी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी थी और उन सब के लिए ये चीज़ होगी कि हाँ भाई इसका क्या रिव्यू होता है. यहाँ पर जो है मुझे मिली काम कराने की 2 कंडीशंस, जहाँ पर एक थी कि मैं जो रैप है या फिर जो फिल्म है उसको मैं करवाऊँ हाथ से, या फिर मैं करवाऊँ पानी से. जो मैं आपको मैंने ऑप्शन दिखाया, हाथ से करवाने पे क्या हो रहा था, मैट के अंदर ना हल्की हल्की लाइंस दिखाई दे रही थी, जो भैया कह रहे थे कि 2 दिन के बाद चले जाए. पानी वाले के अंदर हमें इसको 5 महीने के अंदर चेंज करवाना ही पड़ता, क्योंकि इसकी रिपीटेड साइकिल होती है कि 6 महीने तक अगर आपने ना उतारा तो फिर इसकी ग्लू रह जाएगी, और ग्लू उतारने के बाद
आप बाद हो सकता है आपके मैट की शाइन चली जाए या फिर उसको कुछ हो जाए, और जो हाथ वाला है उसको हम 1.5-2 साल तक कभी तक इस्तेमाल करें वो ग्लू नहीं छोड़ेगा, एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो आई वेंट फॉर द पानी वन बिकॉज दैट वॉज मोर क्लियर, एंड 6 महीने बाद चेंज करा देंगे। तो गाइस काम यहाँ पर हो चुका है एकदम ख़त्म, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मैं मास्क बार बार यहाँ पे नीचे नहीं कर पाऊँगा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसकी सारे शॉट्स अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी चलते हैं यहाँ से सीधा घर। घर जाके दूंगा सारे के सारे डिटेल्स, इसके साथ दूंगा इसके सारे शॉट्स की बिफोर एंड आफ्टर क्या फर्क है, प्राइसिंग कैसी है, एंड यस इज इट वर्थ टू टेक और नॉट। वेरी वेरी नेक्स्ट डे, जब मैंने अपनी कल बाइक का काम करवाया, PPF दिखाया, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया, उसके बाद मैं घर आ गया तो और इतना ज़्यादा थक गया था ना, तो मैं यहाँ पर आया हूँ आप सबको दिखाने के लिए कि हाँ ये कैसा होगा, इसका क्या कॉस्ट पड़ी है, इसका प्रोसेस क्या है, एंड मेरे को क्या क्या चॉइसेस मिली थी PPF के अंदर जाने के लिए कि हाँ मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ और वो कितना टाइम चलेगी और कितना टाइम नहीं चलेगी। अब चलो, मैं तो विजय भैया को कई सालों से जानता हूँ, उनसे काम ज़्यादा कराता आ रहा हूँ, तो मैं तो भोले वाले बच्चों की तरह वहाँ पहुँच गया कि हाँ चलो PPF करवाएंगे, बाइक प्रोटेक्टेड रहेगी। पर मुझे क्या पता था इसके अंदर भी कंडीशंस है। कंडीशंस मुझे दो दी विजय भैया ने, उन्होंने कहा या तो आपका PPF ग्लॉसी में होगा या मैट में होगा। मैंने कहा मैट लुक दो, क्योंकि ग्लॉसी में कोई फ़ायदा नहीं है, बाइक की ग्लॉस लुक आ जाएगी ऊपर से, मैट में जाओ। उन्होंने कहा मैट के अंदर भी तुम्हारी दो कंडीशंस आएंगी, जहाँ पर क्या होगा, मैट या तो तुम्हारा लगेगा सोपी वाटर से या फिर मैट तुम्हारा लगेगा विद हैंड्स। मैंने कहा विद हैंड्स लगा दो। उन्होंने कहा विद हैंड्स लगाओगे तो उसकी लेबर ज़्यादा आएगी, एंड जब मैट कलर को हम विद हैंड्स लगाते हैं गर्म करके, उसको थोड़ा सा बेंड करने में ना निशान आ जाते हैं। मैंने कहा निशान तो मुझे नहीं चाहिए, तो आप एक काम करो सोपी वाटर से लगा दो। तो मैंने कहा कि आप मैट वाला लगा दो तो और सोपी वाटर से लगा दो। उन्होंने कहा अगर मैं सोपी वाटर से लगाऊंगा तो इसकी लाइफ होगी 6 मंथ्स ओनली। मैंने कहा यार चलो ठीक है। मैंने कहा अगर आप हाथों से लगा दो, कह रहे हाथों से लगवाओगे बिना विदाउट सोपी वाटर तो उसकी लाइफ होगी कुछ ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 1-1.5 साल, 1-1.5 साल चल जाएगी विदाउट सोपी वाटर वाली। लेकिन वही है कि उसके अंदर हल्के हल्के निशान हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मैंने सोपी वाटर विद मैट लगवा लिया। तो अगर आप कहीं पर भी जाएं, उन्होंने मुझे साफ़ किया कि ध्रुव मैं पहले आपको एजुकेट कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे पहले इस चीज़ के बारे में बताया, देन मैंने ये चीज़ करवाई।
अगर आप कहीं पे जाते हो और करोल बाग के अंदर बहुत सारे लोग बैठे, अगर ये कोई नहीं बताता तो आप उसको ज़रूर बता देना और उसको बोलना कि 3M की शीट ही इस्तेमाल कर। एंड द रीज़न कि ये डेढ़ एक 6 महीने क्यों चलेगी, 6 महीने वो इसलिए चलेगी, अगर 6 महीने में मैंने सोपी वाटर वाली लैमिनेशन को नहीं उतारा तो फिर ये चिपक जाएगी और एक ग्लू छोड़ देगी, और उस ग्लू को उतारने के लिए मैं इसके ऊपर केमिकल्स यूज़ करूँगा जैसे पेट्रोल या डीजल, तो उससे इसका मैट कलर ख़त्म हो जाएगा। बाकी तो वैसे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, पर इसके नुकसान भी ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं 19-20 का डिफरेंस आ जाता है देखने में, एक मैट कलर को और एक मैट फिनिश वाली शीट को, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। बाकी चलो प्रोटेक्टेड रहेगी, एंड जो पेंट को स्क्रैच होने की या फिर पेंट को प्रोटेक्ट करने की जो टेंशन थी, जब मैं कपड़ा था माइक्रोफाइबर में बहुत ध्यान से देख देख कर मारता था, वो टेंशन इसकी आराम से ख़त्म हो जाएगी। तो यस, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव फैक्टर ये है कि इसको थोड़े थोड़े टाइम में चेंज कराना पड़ेगा। अब मेरा ये भी है कि मैं इसका जो लुक है ना वो ज़्यादा चेंज कर दूँ ऑलमोस्ट 6 महीने बाद, तो यस 6 महीने बाद PPF उतार के लुक लगा के इसके बाद ग्लॉस वाले PPF ज़रूर लगवाऊंगा मैं, उससे देखते हैं इस बाइक को पूरा ग्लॉस में ही कन्वर्ट करके देख लेंगे विदाउट टैम्परिंग द ओरिजिनल पेंट। काम करो, अब मैं आपको ब्रीफ में एक एक पार्ट इसका दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या क्या करवाया है रैप एंड क्या क्या कहाँ कहाँ से एजेस पे इसकी टेप लगी है, तो आप सारा देख लो एक बार, फिर इसकी आपको प्राइसिंग बताता हूँ। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मेन जो हमारी PPF लैमिनेशन जो भी आप इसे कहते हो, द फर्स्ट पार्ट इज़ डन ओवर दिस मडगार्ड जो यहाँ पर हुई है, ये थोड़ा सा ग्लॉस लग रहा होगा, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये पूरा यहाँ पर मैट फिनिश में करवाया है, एंड दिस टेपिंग इज़ द बॉर्डर्स टू सपोर्ट द एजेस ऑफ द PPF, ताकि वो निकले ना या फिर कुछ हो ना, फॉर सेफ्टी पर्पस। ना लगाओ इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, पर मैंने फॉर सेफ्टी पर्पस लगवा लिया। पार्ट कम इज़ द टैंक, टैंक जो है वो कम्प्लीटली एक सिंगल पार्ट के अंदर है। यहाँ पर अभी आपको ये लाइनें दिखाई दे रही होंगी, ये वाइट, इसके अंदर अभी सोपी वाटर हल्का हल्का है क्योंकि ये ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है। PPF को टोटल सेट होने में ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट सर्दियों के अंदर लगते हैं पूरा 1 वीक। अब देखोगे तो इसके अंदर पूरी मैट फिनिश आ रही है, कोई ग्लॉस नहीं है, मैट है। और जितना ग्लॉस हल्का हल्का पार्ट आपको लग रहा होगा ना शाइनी सा, ये सारा टाइम के साथ चला जाएगा। डब्बे हुए साइड के ओनली दिस पार्ट, ये जो पार्ट है बस ये हुआ है, द फ्रंट मड गार्ड, द टैंक, both the boxes, and since there was no time to remove the seat or this tail light, पीछे कोई काम नहीं था तो मैंने पीछे बस इतने पार्ट के अंदर लगवा दिया है। पता हमें कैसे चलता है, बस ये चीज़ जो बॉर्डर दिख जाता है ना हमें, इससे पता चल जाता है कि इसमें PPF हुआ हुआ है, नहीं तो नहीं पता चलता। दिस वॉज द कम्प्लीट लुक कि यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर कोई काम नहीं था इस साइड और बैटरी का जो बॉक्स है, इन दोनों साइड पर कोई काम नहीं था PPF को, तो फिर मैंने इस पर करवाया भी नहीं। सो दिस लुक्स एब्सोल्यूटली परफेक्ट, कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कि कोई दिक्कत लग रही है या नहीं लग रही। बाकी बस ये हल्के हल्के जो बॉटम मार्क्स है और रॉयल एनफील्ड के जो बॉर्डर्स है देख रहे होंगे सिल्वर से हो गए हैं, ताकि अंदर सोपी वाटर थोड़ा सा रह जाता है, ये थोड़े दिनों में ड्राई हो जाएगा और अपनी PPF परफेक्ट हो जाएगी। इससे क्या सारे के सारे पार्ट्स वगैरह देख लिए हैं, होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़े टाइम में जो पानी है इसका वो सूख जाएगा, एंड यस दिस विल बी परफेक्ट, जो स्पॉट्स है वो हल्के हल्के वो सारे चले जाएंगे। इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी है ओनली 1000 रुपीज़, 1000 रुपये के अंदर आराम से पूरी बाइक कर दी है, द टैंक, द मडगार्ड, साइड के बॉक्सेस और पीछे का। मेन थिंग पता है क्यों है, क्योंकि मैट थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। ये जो है ये है लिक्विड वाली, जो लिक्विड लगा के इन्होंने पानी से किया था, और जो हाथ वाली उसका पड़ता है 1400 रुपीज़, जो ऑब्वियसली 1.5 साल चलती है, इसकी लाइफ कम है तो उसके रेट भी कम है, ठीक है समझ गए। और साथ साथ अगला पॉइंट ये आ जाता है कि ये होगी 1000 रुपये की कॉस्टिंग होगी, और अगर आप करवाने जा रहे हो 4 से 5 घंटे अपने लेकर जाना, क्योंकि यस भीड़ तो होगी, मिनिमम तो 3 घंटे लेके जाने पड़ेंगे आपको, 3 घंटे। एंड यस काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि मैंने रॉयल बुलेट से सामान लिया था तो फिर वो भी तो लैमिनेशन करते हैं, आपने उनसे क्यों नहीं करवाई। इनसे मैं कई सालों से काम करवा रहा हूँ, सो यस तो काम करवाते हो तो थोड़ा सा बनता है कि कहीं और ना जाए, अगर ये इस काम में परफेक्ट है तो मैं इनके पास आता हूँ। सो इफ़ यू लुक बाइक एंड मी इन द सेम फ्रेम, आपको पता भी लगेगा कि इसके ऊपर लैमिनेशन कुछ हो रखी है, सो यस दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। आप सबको करानी है अभी जब को कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कहीं से भी करवा सकते हो। मेरा एक ये मोटिव था कि आप सबको एजुकेट किया जाए कि हाँ ये चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। क्लीन तो अच्छे से कर देंगे, बाकी इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लैमिनेशन अगर लगी है तरीके से तो फिर वो उतर भी तरीके से जाएगी, एंड यस डेडिकेटेड टाइम स्लॉट के अंदर उसको चेंज भी करवाना पड़ता है, उसको चेंज भी करवा लेना, ओके।
सो दैट वॉज ऑल इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने बुलेट लवर के साथ, बुलेट लवर दोस्त के साथ। सो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि अभी निकलता हूँ मैं घर के लिए, शॉर्ट स्पेशली आज ही लेने आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, बी यू, क्रिएट न्यू। अगर कोई भी चीज़ रह गई हो या फिर कोई भी सवाल जवाब हो आपका, कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो, वहाँ मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, बी यू, क्रिएट न्यू। दिस इज आई ध्रुव साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Thank you.